ना सोडा ना इनो और ना ही दही, बस पानी में घोलिए और सिर्फ 2 मिनट में क्रिस्पी कुरकुरा डोसा बनके तैयार हो जाएगा। ये पापड़ जैसा क्रिस्पी पतला डोसा खाने में बहुत मज़ेदार लगता है और इसे बनाने के लिए आपको पहले से तैयारी करने की ज़रूरत भी नहीं। आप इसे ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स में या फिर जब कभी हल्की फुल्की भूख हो तुरंत बना के तैयार कर सकते हैं। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और साथ ही डोसा क्रिस्पी बने इसके लिए हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सूजी। सूजी आप बारीक वाली या मोटी वाली कोई सी भी ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। अब इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑरेगानो, साथ ही इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी पानी। तो जिस कटोरी से हमने गेहूं का आटा लिया था उसी कटोरी से हमने 1 कटोरी पानी लिया है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो पहले 1 कटोरी पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लें, उसके बाद हम इसमें 1 कटोरी पानी और डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। तो हमें इसका एकदम पतला बैटर बना के तैयार करना है। तो ध्यान देने वाली बात, बैटर बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि जब हम डोसे को तवे पे फैलाएंगे तो वह जालीदार नहीं बनेगा। अगर आप 1 कटोरी गेहूं का आटा ले रहे हैं तो आपको 2 से 2.5 कटोरी पानी का इस्तेमाल करना है। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। इस तरह का बैटर हमें बना के तैयार करना है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। घी को अच्छे से मिला लेंगे। घी डालने से जब आप डोसा बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और एकदम बढ़िया डोसा बनके तैयार होगा। तो हमने घी को अच्छे से मिला लिया है। अब मैं आपको बड़ी चम्मच से दिखाती हूँ इसी तरह का बैटर हमें बना के तैयार करना है। तो बैटर बनके तैयार है, अब हम इसका डोसा बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इस पर हम थोड़ा सा तेल इस तरीके से फैला लेंगे। तो ध्यान देने वाली बात, तवे को हमें अच्छे से गर्म करना है और अब हमने जो बैटर बना के रखा था चम्मच की मदद से उसे इस तरीके से फैलाते हुए डालेंगे क्योंकि घोल पतला है तो तुरंत इसमें जालियाँ बनने लगेंगी। तो जहाँ जहाँ खाली जगह दिखे वहाँ वहाँ बैटर को डालते जाइए। अब इसको मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। तो जैसे जैसे आप इसको सेकेंगे एकदम जालीदार दिखेगा। तो हमें इसे एक तरफ से ही सेकना होता है, इसलिए इसको पूरी तरह से क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। जब ये सेक जाएगा तो इस तरह से दिखने लगेगा। अब इसके किनारों को कलछी से इस तरीके से हटा देंगे तो आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और एकदम जालीदार डोसा बनके तैयार है। आप इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम सारे डोसे बना कर तैयार कर लेंगे। तो ध्यान देने वाली बात, बैटर हमें एकदम पतला बनाना है, बिल्कुल भी गाढ़ा बैटर नहीं होना चाहिए। अगर बैटर गाढ़ा होगा तो डोसा जालीदार नहीं बनेगा। 1 कटोरी गेहूँ के आटे में 2.5 कटोरी पानी का इस्तेमाल करना है। अगर आप मेजरमेंट का ध्यान रखेंगे तो डोसा एकदम जालीदार और क्रिस्पी बन के तैयार होगा। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।